नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अर्थ में। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट के बारे में। और आप में से बहुत से लोगों के प्रश्न मेरे पास आए थे और जिससे पूछा गया था कि टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट आखिर किस तरीके से काम करने वाला है और क्या भारत इसमें अपनी सहमति जताएगा, क्या भारत भी टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट का पार्ट बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये यूके का फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है और ब्रिटेन चाहता है कि वे 2035 तक अपनी एयरफोर्स में 6th जनरेशन के इस एयरक्राफ्ट को उतार लेगा। लेकिन उसके कई सारे इसमें मुद्दे भी हैं जिससे वो चाहता है कि इस प्रोजेक्ट में भारत भी शामिल हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या भारत सोचता है टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट के बारे में। और साथ ही दोस्तों, इसमें ये भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट है वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करने वाला है और क्या क्या इसकी तकनीकी विशेषताएं होंगी। दोस्तों, टेम्पेस्ट 6th जनरेशन का एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसे बनाने के लिए टेम्पेस्ट नाम की एक टीम काम करेगी। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री, BAE सिस्टम, MBDA, रोल्स रॉयल, लियोनार्डो SPA जैसे यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स काम करेंगे और 2035 तक रॉयल एयरफोर्स इस टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट को अपने पुराने एयरक्राफ्ट यूरो फाइटर जेट से चेंज कर सकती है। ब्रिटेन ने अपने 6th जनरेशन फाइटर प्लेन के कॉन्सेप्ट और डिजाइन को सबसे पहले 2018 में फेरनबर्ग एयर शो में इसके बारे में बताया था। दोस्तों, अगर बात करें इसकी तकनीकी विशेषताओं की तो इस एयरक्राफ्ट को फ्यूचर प्रूफ एयरक्राफ्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है और ये जाहिर सी बात है कि इसकी जो फीचर्स हैं वो काफी एडवांस भी होने वाले हैं। यानी ये कह सकते हैं कि कई प्रकार के आधुनिक तकनीकों से लैस होगा टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट। जी हां, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स को नियंत्रण करने वाली तकनीक और स्वार्मिंग तकनीक भी इसमें शामिल होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जो स्वार्मिंग टेक्नोलॉजी होती है वो एक तरह की बैटलफील्ड टेक्नोलॉजी मानी जाती है जिसे खासतौर पर टारगेट सैचुरेशन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि इस टेक्निक की मदद से एयरक्राफ्ट की अटैकिंग क्षमता दूसरे एयरक्राफ्ट की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट की एक और खास बात यह है कि ये मैन और अनमैन दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, जहां तक बात करते हैं इस एयरक्राफ्ट के वेपन्स की तो इस एयरक्राफ्ट में डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट लेजर जैसी डायरेक्ट एनर्जी वेपन इसमें लगे होंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस एयरक्राफ्ट में कोऑपरेटिव एंगेजमेंट कैपेबिलिटी भी होगी। जी हाँ, जिसके मदद से, यानी कि जिस खास तकनीक की मदद से ये अपने फाइटर जेट्स के साथ अपने सेंसर डेटा को भी शेयर कर सकता है, साथ ही एक कोऑर्डिनेशन बनाकर अटैक करने की क्षमता भी इस एयरक्राफ्ट पे होगी। दोस्तों, अगर बात करें इस एयरक्राफ्ट पे इंजन की तो इसमें खास तरीके का इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि एडेप्टिव साइकिल इंजन होगा जो फ्लाइट कंडीशन के अनुसार इंजन को ऑटोमेटिकली मेंटेन करेगा ताकि इसकी क्षमता बरकरार रहे। दोस्तों, 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होने की वजह से इसमें वर्चुअल कॉकपिट का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे इस फाइटर जेट की सारी डिटेल पायलट की हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले में दिख सकती हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसमें अन्य हथियारों की, इसमें मीटियोर जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, स्पेयर 3 जैसी एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से इसे लैस किया जाएगा। आपको बता दें कि यूके के इस फ्यूचर फाइटर प्लेन के बारे में अधिक जानकारी अभी नहीं दी गई है। दोस्तों, अगर बात करें इस फाइटर जेट को बनाने वाली कंपनियों में से एक कंपनी की, यानी कि BAE सिस्टम की, तो उनकी माने तो ये एयरक्राफ्ट उच्च क्षमता वाला फ्लेक्सिबल एयरक्राफ्ट होगा। साथ ही ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जिसे ज्यादा मुश्किलों से खरीदा नहीं बल्कि आसानी से खरीदा जा सकता है। और अगर बात करें इसकी मेंटेनेंस की तो इसमें रोबोटिक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे इसकी इन सर्विस सपोर्ट का जो खर्चा है वो कम आ जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें भारत की तो भारत भी अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे काम कर रहा है। और अगर बात करें टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट की तो टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट के बारे में यूके का कहना है कि भारत के जो इंजीनियर्स हैं वो खास करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारा साथ दें, यानी कि हमारी मदद करें ताकि इसको दोनों देश मिलकर विकसित कर सके। तो यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट में क्या भारत को भी अपनी रुचि दिखानी चाहिए? जहाँ तक दोस्तों मेरा खुद का भी मानना है कि जो टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट का भारत तभी सपोर्ट करे जब कहीं ना कहीं हमारे किसी प्रोजेक्ट पर यूके भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हो या हमारे किसी प्रोजेक्ट में साथ आ रहा हो, जैसे कि रशिया अक्सर आता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जरूर अपने कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल अर्थ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।